गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 3rd विच इज़ डेटा हैंडलिंग. इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैज डिस्कस समथिंग अबाउट दैट. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ ब्रीफ मैनर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो. सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट. तो आइए चलते हैं, डेटा हैंडलिंग क्या होता है समझते हैं. तो डेटा क्या होता है बेसिकली? तो डेटा, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म इज कॉल्ड डेटा. यानी कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू और डिजिट दिए हुए हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं निकलता है तो उससे हम डेटा कहते हैं. यानी उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसे सिंपली हम डेटा कह देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं. तो सिंपली ये दिए गए हैं तो हम इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो अब हैंडलिंग क्या होता है? तो हैंडलिंग इज रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ द डेटा मीनिंगफुली टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. यानी अब इन्हीं डेटास को, यानी जो यहाँ पे डेटास दिए गए थे, अब इन्हें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दें, उसके बाद फिर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये किसी टेस्ट के मार्क्स हैं, तो अगर टेस्ट के मार्क्स ऐसे लिखे हुए हैं तो हम कुछ भी इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब हम इसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं तो हम इससे ईजिली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि कितने स्टूडेंट के लोएस्ट मार्क आए, कितने स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क गेन किए, कितने स्टूडेंट के सेम मार्क्स आए. दिस ऑल थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम इट. सो नेक्स्ट क्या है? तो आइए, इन डेटा हैंडलिंग चैप्टर में ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं. तो वो ये देखिए, रेंज, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड. तो आइए वन बाय वन इसे समझते हैं. तो रेंज क्या होता है? तो रेंज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा. यानी जो भी हमारे पास डेटाज अवेलेबल हैं, जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, तो उनके उसका जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा और सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, अगर हम उसका डिफरेंस निकाल लें तो वही हमारा रेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 759. मान लीजिए ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन सा वैल्यू लोवेस्ट है और कौन सा वैल्यू हाइएस्ट है. तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 9 इज़ अ हाइएस्ट वैल्यू एंड 5 इज़ अ लोवेस्ट वैल्यू. तो यहाँ 9 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. तो ऐसे हम रेंज निकालते हैं, ठीक है? तो देखिए सेकंड टर्म है हमारा अरिथमेटिक मीन. सेकंड टर्म है हमारा अरिथमेटिक मीन. तो आइए देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन को कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट वैल्यूज और डिजिट्स और डेटा विच इज़ गिवन. यानी जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन रहेंगी वही हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो अगर हम अरिथमेटिकल मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी कि हम उन सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे. तो देखिए जहाँ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा गया है 573 510, ये एग्ज़ाम्पल है. तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम मीन निकालने समझते हैं. तो ये सारे डेटास को हम प्लस कर लेंगे. तो ये 5 + 7 + 3 + 5 + 10, इन सबको प्लस करने के बाद अब देखिए अपॉन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे कितनी नंबर में ऑब्जर्वेशन है? तो 1, तो ये 5 है, ठीक है? तो 5, तो इसे हम लिख लिया. फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा. तो ये रहा रेंज और अरिथमेटिकल मीन. आइए अब इससे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये देखिए ये आपका एक्सरसाइज है 3.1. तो इस 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. हमें क्या फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करनी है. तो यहाँ क्वेश्चन देखिए अच्छे से कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. यानी कि कोई भी 10 स्टूडेंट का हाइट लेना है, उसके बाद फिर हमें रेंज निकालनी है. तो ऑलरेडी मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि रेंज कैसे फाइंड होता है. तो रेंज फाइंड होता है हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म, ठीक है? तो मान लीजिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? रेंज फाइंड करना हमें. तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि
हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट गिवन नहीं है तो हम अपने हिसाब से लेट करेंगे। तो ये सेंटीमीटर में हमने ये 10 स्टूडेंट के हाइट खुद से ही लिख लिया। उसके बाद फिर हमें रेंज निकालना है, ठीक है। तो अब इसे रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, यानी 152, एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है, 120। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा रेंज 32। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये देखिए, ये आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th निकालने के लिए। मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।